के सामने और यहाँ पर हर्षदीप सिंह का जो है हर्षदीप सिंह का जो है जोरदार स्वागत आपको किया जा रहा है। आपको याद होगा यहाँ पर पैंथर्स पार्टी का ऑफिस जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट तब जो है उसके ऑफिस के सामने ही जो है सब मिलाकर यहाँ पर हर्षदीप सिंह का स्वागत किया जा रहा है। जानने से प्रयास करेंगे हरदेव सिंह जी का। हरदेव सिंह जी क्या कहें, लोग कह रहे टाइगर इज बैक, टाइगर इज बैक, जिंदाबाद जिंदाबाद आपके सामने है और दोबारा से पैंथर्स पार्टी को रिवाइव करना है, खड़ा करना है, आवाम की बात करनी है, लोगों की बात करनी है। पर एक चीज आपसे जानने की बड़ी जोश और खुरोश के साथ, आपने आम आदमी का पार्टी का दामन थामा था, जनता का सवाल है, हमारा नहीं है, वो जानना भी हमारा कहने का कर्तव्य है। तो फिर से पैंथर पार्टी में आने का, जिस समय आपको जरूरत थी उस समय आप छोड़कर चले गए, अब फिर से आप आए हैं, क्या सोच लेकर आए सर? जिस वक्त हमें जरूरत थी हमने छोड़, जिस वक्त लोगों को जरूरत है हम वापस आ गए जी। अब देख लीजिए, लोगों ने कहा वापस आइए, हम वापस आ गए और अब खड़ा होंगे, लोगों के साथ खड़ा होंगे और इस लड़ाई को अब हम पाए तकमील तक ले जाएंगे। लोगों को उम्मीद सिर्फ पैंथर्स पार्टी से है आज, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लोगों ने देख लिया, परख लिया, आजमा लिया और अब पैंथर्स पार्टी ही एकमात्र विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आई है और यही जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय दिला सकती है। इसीलिए पैंथर्स पार्टी को रिवाइव करने के लिए तमाम साथियों ने और बुद्धिजीवी जो हैं, जो वेल विशर्स हैं, जो कंसर्न्ड लोग हैं, कंसर्न्ड सोसाइटी है जम्मू कश्मीर की, उनकी ये राय थी कि पैंथर्स पार्टी को ही मजबूत किया जाए, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर असफल हुई हैं और लोगों के साथ किए हुए वादों को पूरा करने में विफल साबित हुई हैं। क्या लगता है हर्षदीप जी आपका कि यही एकमात्र पार्टी है जिससे आम लोगों की आवाज को बुलंद किया जाए? बिल्कुल, यही एकमात्र पार्टी है, क्योंकि हमें किसी मसले को उठाने के लिए दिल्ली से परमिशन लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ लोग फैसला करेंगे, यहाँ लोगों के साथ जब ज्यादती होगी तो लोगों के बीच में बैठकर फैसला होगा और उसके ऊपर अमल किया जाएगा, उस आवाज को बुलंदोड़ा। जो इल्जामों की बोछार लगा रहे कि आरटीए के माध्यम से जो उनका पैसा आना था वो रुक गया, शायद उसी वजह से आपने पार्टी छोड़ी। लोग करते हैं, देखिए इल्जाम तो सियासत का एक हिस्सा है, जिनका कोई बस नहीं चलता है वो इल्जाम लगाते हैं, उनके पास लगाने के लिए सिर्फ इल्जाम है। हम कहते हैं हमसे पूछिए कि आप क्या करेंगे लोगों के लिए, क्या करेंगे लोगों के लिए, पूरी जद्दोजहद करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने प्रण लिया था कि मैं तब तक अन्न का दाना नहीं खाऊंगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सीएम नहीं बन जाता। ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा सा अनाज बच जाएगा इसी बहाने। सर जिस तरह से आपका कार्यालय को सील कर दिया गया स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, आज हमने बाहर टेंट लगाकर किया, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से बौखला चुकी है, क्योंकि पैंथर्स पार्टी के रिवाइव होने की बात करते ही उनकी नींद उड़ गई है और उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय का सहारा लेकर हमारा दफ्तर खाली करवा दिया, जो अनडेमोक्रेटिक है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एक बहुत बड़ा जो है वो भेदभाव भी है। जो पार्टीज अनरिकॉग्नाइज्ड हैं उनको भी आज सरकार ने ऑफिसेस दिए हुए हैं, अपनी पार्टी की कोई रिकॉग्निशन नहीं है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की कोई रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन पैंथर्स पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद भी
हमें आज सड़कों के ऊपर बैठना पड़ रहा है, लेकिन यहीं से ये लड़ाई होगी। और मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप दफ्तर से हमें निकाल सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों से हमें नहीं निकाल सकते हो। हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई हुई है और लोगों को साथ लेकर उनके जो मसाइल हैं उनको उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हर मजलूम के साथ, हर गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, युवाओं के साथ। जो अति इन्होंने की है, जो इंतहा की है, जो एक जाति और अत्याचार ये लोग कर रहे हैं आम नागरिकों के ऊपर, कभी उनकी ज़मीनें खाली करवाकर, कभी उनके ऊपर अलग अलग किस्म के टैक्स लगाकर, उसका मुकाबला अगर कोई कर सकता है जम्मू कश्मीर में, तो वायद और वायद पैंथर्स पार्टी कर सकती है। और इस लड़ाई का बीड़ा हमने उठाया है, अब भारतीय जनता पार्टी होशियार हो जाए। प्रोफेसर साहब, ये जो ठिकाने भीम सिंह ने पहले से ही सिलेंडर करके स्टेट डिपार्टमेंट को दे दिया, ये आपसे किसने कहा? सर, एक लेटर जो हमारे पास भी, वो लेटर हम जाना चाहेंगे। प्रोफेसर भीम सिंह ने पहले ही कहा था कि गांधीनगर में जो अलॉटमेंट किया उसके अल्टरनेट हमें दिया जाए। उन्होंने पहले ही चिट्ठी दे दी थी स्टेट डिपार्टमेंट को, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, अल्टरनेटिव तो दीजिए। क्या ऐसे ही किसी रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को आप बाहर फेंक सकते हैं? कहाँ है जमहूरियत? कहाँ है संविधान? कहाँ है रूल ऑफ लॉ जिसकी दुहाई आप देते हैं? कि जब आपका दिल किया, जब आपने देखा कि पैंथर्स पार्टी फिर से उभर कर सामने आ रही है, तो आपको और कोई नहीं सूझा। पहले भी इन्होंने हमारे खिलाफ बहुत सारी साजिशें की है, बहुत सारे जो कोशिशें की हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनको रोका जा सके, लेकिन पैंथर रुकने वाला नहीं है। सर, सर, ये हमें बीजेपी वालों को अच्छी तरीके से बता, आपने ऐलान किया कि आप रिवाइव करेंगे फिर से पैंथर पार्टी का, बीच में जाकर उसे और मजबूत बनाएंगे, तो उसी के दो दिन के बाद यहाँ पर ताला लग दिया, उससे पहले क्यों? देखिए, यही तो बात देखने वाली है और लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि इस दफ्तर को ताला क्यों लगा है, इस दफ्तर को खाली क्यों करवाया गया है। ये लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और अब आने वाले वक्त में जवाब भी देंगे, क्योंकि लोगों को भी ये भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही बता दिया कि अगर उनको कोई पीछे धकेल सकता है, उनकी कोई जगह ले सकता है, तो पैंथर्स पार्टी ले सकती है। इसलिए पैंथर्स पार्टी के खिलाफ साजिशें उसी दिन से फिर से शुरू हो गई जिस दिन हमने ऐलान किया कि अब हम पैंथर्स पार्टी को रिवाइव करने जा रहे हैं। क्या लगता है भाजपा डर गई है कि? वो तो जाहिर सी बात है, वो तो हम नहीं कह रहे हैं, वो तो दुनिया कह रही है आज। तो फिर से पैंथर पार्टी का वो ग्राफ जहाँ पर प्रोफेसर भीम सिंह जी जिसे लाया था, वो ला पाएंगे सर? बिल्कुल, ये पार्टी फिर से अपने पाँव के ऊपर खड़ा होगी और सबसे बड़ी फोर्स के तौर पर आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में उभरेगी। ये मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ। देखिए, इसी तरीके से टैक्सेस जो है वो लगातार लगते जा रहे हैं, एक के बाद एक टैक्स लग रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, गरीब लोगों की बात करने वाला कोई नहीं है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, पैंथर्स पार्टी का एकमात्र इंटरेस्ट ये है कि गरीब की बात हो सके, किसान की बात हो सके, मजदूर की बात हो सके, युवाओं की बात हो सके। और ये जो टैक्स टेररिज्म बीजेपी ने फैलाया हुआ है, इसके विरोध में हम खड़ा हो सके और इसका मुकाबला कर सके। इसीलिए जो है ये फैसला जो है वो हमने लिया है और इसका डटकर मुकाबला भी करेंगे और इस सरकार को आने वाले वक्त में मिलजुल कर सबके प्रयासों से नेस्ता नाबूद भी करेंगे। ये पैंथर्स पार्टी ने आज रिजॉल्व लिया है, ये डिटर्मिनेशन लिया है।